एक साल में कई सारे बदलाव हुए एज ए कैरेक्टर वाइज, पर जिस तरह का एक्सेप्टेंस और जिस तरह का प्यार कंटिन्यू रहा है इतने सालों से, ओवर एन डेकेड, सर आप किस तरह, स्पेशली आपके किरदार को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, आप किस तरह से देखते हो इस प्यार को लोगों की तरफ से? मैं तो जितना भी हमारे जो दर्शक हैं उनका जितना शुक्रगुजार हम करें उतना कम है, क्योंकि तो पिछले इस जुलाई में 15 साल कंप्लीट होंगे इस सीरियल को, तो लोगों ने मतलब बेतहाशा हमें प्यार दिया है, आज भी करते आ रहे हैं, जब भी बाहर कोई मिलता है तो इतना आशीर्वाद हमें देते हैं, बड़े बुजुर्ग हो बच्चे हो इतने प्यार से मिलते हैं। मैं समझता हूँ ये कोई डिवाइन फोर्स है जो काम कर रहा है कि 15 साल तक ये कोई सीरियल का चलना और लोगों का प्यार इतना बरकरार रहना, ये वाकई में हालांकि नो डाउट सबकी मेहनत है, सब कहेंगे कि सब मिलकर के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो राइटर्स हैं आसिफ भाई है, जो एक उनको डे टू डे लेवल पे जो एक नई नई चीज़ें सूझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ऊपर वाले की कृपा है कि वो कुछ नई नई चीज़ें वो सुझाता है, तब जाके इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बनते हैं और लोगों का मनोरंजन होता है। दिलीप जी, सबके रिप्लेसमेंट मिल गए पर एक रिप्लेसमेंट अभी भी लोगों की तरफ से चर्चा होती है, दया भाभी की, आप अगर कुछ उसमें कहना चाहोगे? काफ़ी लोग मिस करते हैं उनको, टेलीविजन पे काफ़ी मिस किया जाता है, वो किरदार को काफ़ी मिस किया जाता है, उस पर अगर कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ, आप बोलिए क्या सुनना चाहते हैं कि कब रिप्लेसमेंट होगा कि अगर वो कोई... तो आसिफ भाई बता सकते हैं क्योंकि इस शो के सर्वे सर्वा वो ही है, तो क्या वो रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कोई नए किरदार को कास्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। मैं बता रहा कि एक्टर या डेफिनेटली आई मिस द कैरेक्टर ऑफ दया बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग स्पेल, दया जेठा के काफ़ी मज़ेदार सीन्स आप लोगों ने इतने सालों से देखे हैं, तो जब से दिशा जी गए हैं तब से ऑफकोर्स दैट पार्ट दैट एंगल दैट फनी पार्ट इज बिन मिसिंग, यू नो द केमिस्ट्री बिटवीन जेठा एंड दया इज बिन मिसिंग, और लोग भी वही कहते हैं, बट या लेट्स सी, आई मीन आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आसिफ भाई ऑलवेज पॉजिटिव, सो यू नेवर नो, यू नो व्हाट हैपेंस, मे बी समथिंग इंटरेस्टिंग समथिंग पॉजिटिव माइट हैपन, कल किसने देखा स्पेशली जो है बस हम करते ही आ रहे हैं। स्पेशली वो विंडो का जो सीन है तो काफ़ी बार वो शूट हुआ है और वो पर्टिकुलर सीन को काफ़ी लोग मिस करते, आप कितना मिस कर पाते हो ऑन सेट तक वो सीन को, जब जब भी आप ऑफिस जाते थे पीछे से दया भाभी आपको बुलाती थी और ये खिड़की में बबीता जी रहती थी, वो एक जो ट्रायो सीन होता है उसको काफ़ी मिस किया जाता है, आप कितना मिस करते हो उस शॉट को? नहीं ऐसे तो देखिए अभी पिछले 14 साल में 3700 एपिसोड हमने किए, तो इस तरह के ये एक आध दो नहीं, मतलब कितने सारे सीन्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार सीन हो गए हैं हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार ऐसे सीन्स हमने किए हैं, मज़ा आता है, बट या लेट्स सी, आई मीन फ्यूचर में मिस तो करेंगे डेफिनेटली, एज एन एक्टर आई डू मिस बिकॉज देर इज सर्टन काइंड ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर्स और उसी से पूरा एक सीन बनता है, तो या डेफिनेटली आई डू डू मिस सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, थैंक यू।